हेलो स्टूडेंट्स, सो कैसे आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और बच्चों, आपका स्वागत है अकेडमी चैनल नीट यूजीन 10 पे। इस चैनल की खासियत यह है कि विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताऊंगा, इवन न्यूमेरिकल के थ्रू आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करूंगा। मेरा इंट्रोडक्शन, मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया। अब मैं अकेडमी में फिजिक्स का एजुकेट हुआ। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं, तो जल्दी से इसका सब्सक्रिप्शन लें और आप अपना प्रिपरेशन शुरू करें। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को क्या करना है बच्चों? डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा यहाँ क्या होती है बच्चों, डेली लाइव क्लासेस होती है। यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में जाकर टीचर्स से डाउट पूछ सकते हैं, टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है। यहाँ पर क्या होता है, लाइव टेस्ट होता है, क्विज होता है। आप अपने क्वेश्चन के माध्यम से आपको और पोलिंग के मोर इंटरेक्टिव वे में सब्जेक्ट सिखाया जाता है। यहाँ बच्चों स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, कोर्सेज क्या है, स्ट्रक्चर्ड है, मतलब सिलसिलेवार ढंग से और टाइम के साथ खत्म हुआ। लिमिटेड एक्सेस का मतलब एक बार सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया तो यहाँ पे बच्चों अपने जितने रिकॉर्डेड वीडियो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। इवन मान लीजिए एक टॉपिक के 20 टीचर्स है तो आप किसी की भी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो ये 6K है, दिस इज 15K, दिस इज कितना 24K, दिस इज 30K और दिस इज व्हाट 36K। तो आपको जो 10% का डिस्काउंट मिल रहा है बच्चों, मेरा रेफरल कोड आदित्य यूज कीजिएगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जेई नीट किसी भी तरह के कोर्सेज में। जैसे एक मंथ का सब्सक्रिप्शन है पर मंथ 5400, 3 मंथ का 4500, 6 मंथ का 3600, 12 मंथ्स का बच्चों 2250 और 24 मंथ्स का पर मंथ है 1350। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ बच्चों देखेंगे आप क्या करेंगे, जल्दी से आपका सबसे बेस्ट है 12 और 24 मंथ्स इसके लिए, क्योंकि कॉस्ट इसका इसके कंपेयर में कम लग रहा है। तो सबसे बेस्ट क्या है, 12 और 24 मंथ्स। अब देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटोन थ्योरी हमने देखा, अब इसका इफेक्ट देखते हैं। अब बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक मैथड ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को कैसे आपको एटम के पार्टी मतलब एटम से यदि मेटल से कैसे इजेक्ट किया जाता है, कितने तरीके हैं। पहला क्या है बच्चों, थर्मोनिक इमिशन में देखिए इसमें क्या होता है, हीट को अलाउ करता है। हीट आप बढ़ाते हैं, हीट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी गेन करता है और ये क्या निकल जाता है मेटल से। ठीक है, दूसरा क्या है, सेकेंडरी इमिशन। और इसका क्या है, द सेकेंडरी इमिशन में क्या है बच्चों, द इलेक्ट्रॉन्स गेन्स इनफ बाय एनर्जी फ्रॉम अनदर स्पीड पार्टिकल्स। मतलब कोई स्पीड से पार्टिकल आ रहा है आउटसाइड से और उसने हिट किया किसी पार्टिकल के, आप लाइट की बात नहीं कर रहे हैं, किसी सेकेंडरी आया उससे उसको हिट किया, उसका काइनेटिक एनर्जी को लिया, वो मेटल निकल गया। ठीक है, फील्ड इमिशन। अब इसमें क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का पल्स देते हैं मेटल पे, तो जिससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन इससे भी इजेक्ट हो सकता है। नहीं है कि नहीं, इलेक्ट्रिक मान लीजिए आपने फील्ड दिया, कोई निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज रखा है उसके बगल में ले जाएंगे तो मेटल वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, तो उससे भी हम इमिशन करवा सकते हैं। फोर्थ है जो हम डिस्कस करने वाले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें क्या करते हैं हम लोग, लाइट एनर्जी या फोटोन्स जिसकी बात हमने की उसको हम लाइट एनर्जी जैसे मेटल सरफेस पर पड़ता है यदि उस पर के पास सफिशेंट एनर्जी है तो उसको इजेक्ट कर देगा। ठीक है ना, चलो तो अब इसको आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। बच्चों तो होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि आपका लाइट रे जो देखिएगा यहाँ पे, जो लाइट रे यहाँ पे पड़ा है ना, इसमें क्या बोला फोटोन रहता है, इसकी एनर्जी कितनी होती है HC/λ है ना, ईच फोटोन की। ठीक है, तो ये जब ये मेटल सरफेस, तो मेटल सरफेस पे जैसे ये इजेक्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ है ना। तो बताइए ये इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ तो यहाँ पे किसके अगेंस्ट वो काम कर रहा हुआ, आपको क्या लगता है, आपने इतनी एनर्जी दी, मान लीजिए आपने 2 जूल एनर्जी दी, 2 जूल यहाँ से ये निकल गया, तो 2 जूल इसको एक मिनिमम एनर्जी, जैसे क्योंकि आप जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मेटल उसको फिर से अट्रैक्ट कर ले, उसको मेटल क्या अट्रैक्ट कर ले। तो बच्चों एक वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन डिफाइन होता है वो जो मटेरियल का, जो एक थ्रेशोल्ड एनर्जी हमें उतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए उस मेटल से उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, वर्क फंक्शन, हम बोलते हैं उसको वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। नॉर्मली इसको फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, साई या फाई, साई से। ठीक है, तो ये वर्क फंक्शन है कि मिनिमम एनर्जी, उतना एनर्जी चाहिए ताकि ये इसको इजेक्ट कर दे, मतलब E इक्वल टू मिनिमम हमको इजेक्शन के लिए E इक्वल टू कितना, 5 मिनिमम जस्ट इजेक्ट करे। काइनेटिक एनर्जी मैंने नहीं बोला, मैंने क्या बोला, जस्ट इजेक्ट करे। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा
वो बच्चों को ट्रैवल भी करेगा, उसको काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगा तो वो ट्रैवल करना चाहेगा। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, वो क्या होगी, ई माइनस फाई ना। आपने ये टोटल एनर्जी ई दिया पार्टिकल को, उसमें फाई खर्च हो गया वर्क फंक्शन, जो बचा वो काइनेटिक एनर्जी में इन्वॉल्व होती है बच्चों। ये हम प्रैक्टिकली मानते हैं, बट आपको पता है ये डिपेंड करता है जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। मान लीजिए आउटर सरफेस में इसको एनर्जी आपने दी, कम एनर्जी लगा, बट बच्चों कोलिजन भी होगा। आप मान लीजिए अब इसको निकालना चाह रहे हैं, तो बताइए निकलने से पहले कोलिजन होगा कि नहीं, इनके बीच इलेक्ट्रॉन के बीच कोलिजन होगा, वहाँ पे एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, वहाँ पे भी एक्स्ट्रा एनर्जी लॉस होता है। तो हमें जो काइनेटिक एनर्जी है ई माइनस फाइव, ये मिलेगा भी और नहीं भी मिल सकता। आपका काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए ई आपने दिया एस सी बाय लेमडा, फाइव वर्क फंक्शन है उसको निकलने में, तो जो वर्क फंक्शन ये सब इंक्लूड करता है, कोलिजन हो गया आपका, वो अट्रैक्ट जो मटेरियल जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ना कर, उसके अगेंस्ट वर्क करके चलता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी आपका जीरो भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ई माइनस फाइव। तो काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन जीरो से ई माइनस फाइव तक होता है। तो देखिए, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, फिर से देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी का जो वेरिएशन होता है बच्चों क्या होगा, जीरो से ज़्यादा और ये इक्वल टू कितना, ई माइनस फाइव हो सकता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी आपने लिखा ई क्या है, एस सी बाई लैम्डा, ये माइनस फाइव, डन। तो बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, इसको बोलते हैं फोटो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, एस सी बाई लैम्डा, ठीक है। फाई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एस सी बाई लैम्डा नॉट हम लेके चलते हैं, ठीक है। बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या लेके चलेंगे, काइनेटिक एनर्जी लेके चलेंगे हम लोग एस सी बाई लैम्डा माइनस एस सी बाई लैम्डा नॉट। काइनेटिक एनर्जी है जो मैक्स काइनेटिक एनर्जी हम लेके चल रहे हैं क्या, एस सी बाई लैम्डा, एस सी बाई लैम्डा माइनस एस सी बाई लैम्डा कॉमन ले लीजिए, तो एस सी बाई एस सी कॉमन ले तो वन बाई लैम्डा माइनस वन बाई लैम्डा नॉट, डन। तो देखिए इसका जो फोटो आपको जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखा, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट से हम इसको देखेंगे, जो एक्सपेरिमेंटल हम इसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो इसका हम देखिए यहाँ पे, ये लाइट वैक्यूम चैम्बर रहता है, मैं इसका भी डिटेल बता रहा हूँ, इसको आगे आने वाले वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों ये लाइट चैम्बर रहता है ये आपका, ठीक है, ये वैक्यूम चैम्बर है, ठीक है। यहाँ पे जो प्लेट है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन निकल रही है, एक को मानते हैं यहाँ पे पॉजिटिव को एनोड, और इसको क्या मानते हैं, कैथोड, ठीक है, डन। अभी मैं अरेंजमेंट समझा रहा हूँ, ये वैक्यूम चैम्बर है, यहाँ पे लाइट पड़ता है, ये इजेक्ट होता है, ये बैटरी है बच्चों, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये मीटर है जहाँ पे करंट का हमें मेजरमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम आगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में फॉरवर्ड करेंगे, इसको समझेंगे अच्छे से, इक्वेशन देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, ठीक है, थैंक यू बच्चों।